हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के बारे में, जैसे कि मैं सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक टर्न ऑफ स्क्रीन, यानी कि आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अपनी स्क्रीन को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगी, दोबारा डबल टैप करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रो ओपन कैमरा, यानी कि आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं अपनी लॉक स्क्रीन पर हम यहाँ पर ओ बनाएंगे। ओ बनाते ही आपकी जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ड्रो वी टॉर्च ऑन ऑफ, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरीके से अपनी लॉक स्क्रीन पर वी बनाएंगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी, दोबारा वी बनाएंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं तीनों सेटिंग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।